हेलो लर्नर्स, आज का मेरा टॉपिक है द कोल्ड विद इन। ये पोएम जेम्स पैट्रिक किनी ने 1960 के दशक में लिखी है। ये एक अमरीकी कवि हैं और ये इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है। इस पोएम में 6 इंसानों पर आधारित एक कहानी है जिसके द्वारा कवि ने एक संदेश देने का प्रयास किया है। इसमें बताया है कि किस प्रकार हमारे विचार, सोच और पक्षपात हम पर हावी हो जाते हैं और हमें सही गलत, अच्छे बुरे का फैसला नहीं लेने देते। पक्षपात या प्रेजुडिस का मतलब है किसी चीज़, विचार या व्यक्ति के प्रति एक झुकाव, तरफदारी या भेदभाव करना। जैसे अपने मन में किसी प्रकार की धारणा या सोच बना लेना और हर बार उसी के आधार पर किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट करना। इस पोएम में एक इंस्पायरिंग स्टोरी दी है जो कि बहुत सिंपल है पर एक पावरफुल मैसेज देती है। इस पोएम में 8 स्टैंजास हैं। इसमें 6 लोगों के बारे में बताया है जो कि एक बहुत ही ठंडी जगह पर फंस गए हैं और सभी लोग एक बुझती हुई आग के चारों ओर बैठे हैं। इस पोएम में कवि ने एक संदेश दिया है, इसीलिए इसे एक पैराबल भी कह सकते हैं। पैराबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें कोई मॉरल टीचिंग या संदेश मिले। इसमें पोएट ने हमें ये बताया है कि हमें जाति, धर्म, रंग, लिंग व अमीरी के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम इसी तरह भेदभाव करते रहेंगे और सेल्फिश बने रहेंगे तो हम ना सिर्फ अपना बल्कि सामने वाले का भी नुकसान कर लेंगे। पोएम का टाइटल द कोल्ड विद इन एक मेटाफर है, यानी कोल्ड विद इन का कंपैरिजन लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव को दर्शाता है। ये दिखाता है कि किस प्रकार लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई सद्भावना नहीं रही। इस पोएम में बैठे ये 6 लोग किसी न किसी बुराई से पीड़ित हैं, मतलब हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है। आइए देखते हैं कि किस तरह इनके मन की ये नफरत इन्हें खुद ही बर्बाद कर देती है। 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the story is told. पोएम की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 6 मनुष्य बाय चांस एक ठंडी जगह पर फंसे थे और उन सभी के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पोएट इन्हें लोग नहीं, मनुष्य, ह्यूमंस कहता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इन 6 लोगों की नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान को दर्शाती है जिनमें कहीं ना कहीं ये बुराइयां हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई इत्तेफाक है, पर पोएट हैपनस्टांस से ये कहना चाहते हैं कि जैसे ये सब पहले से ही तय था। दे डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स बट द फर्स्ट वन हेल्ड हर्स बैक फॉर ऑफ द फेसेस राउंड द फायर शी नोटिस्ड वन वॉज ब्लैक। उनके सामने लगी हुई आग बस बुझने ही वाली थी। इसमें से पहला व्यक्ति एक महिला है जो अपनी लकड़ी आग में नहीं डालना चाहती क्योंकि उसने देखा कि उनमें से एक आदमी काला है, यानी ब्लैक रेस या नीग्रो है। ये महिला जातिवाद के आधार पर भेदभाव करती थी और इसलिए नहीं चाहती थी कि उसकी लकड़ी से एक काले इंसान को फ़ायदा हो। ये महिला रेशियल प्रेजुडिस से पीड़ित थी। द नेक्स्ट मैन लुकिंग अक्रॉस द वे सॉ नॉट वन ऑफ हिज चर्च एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च। उस महिला के बगल में एक और आदमी बैठा था जो आग के पास बैठे सभी लोगों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक ऐसे व्यक्ति पर जो उसके चर्च का नहीं था, यानी वो आदमी किसी अन्य धर्म का था। ये बात इसे बर्दाश्त नहीं होती कि इसकी लकड़ी की आग से किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को फ़ायदा हो, क्योंकि ये आदमी रिलीजियस इंटॉलरेंस से पीड़ित था। बर्च एक तरीके का पेड़ है। द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लोथ्स ही गेव हिज कोट अ हिच व्हाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच।
तीसरा व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और गरीब मालूम पड़ता है। वह भी इस आग के नज़दीक बैठा है और अपने कोट को खींच कर अपने ऊपर और कस के लपेट लेता है। ये सोचता है कि मेरे अलावा तो यहाँ सभी अमीर हैं, मेरे पास तो जो है बहुत कम है, और वो भी मैं इन लोगों के लिए दे दूँ। उसके मन में अमीरों के प्रति जलन और कड़वाहट थी। वो सोचता है कि ये अमीर लोग तो बहुत आलसी होते हैं और मेरे जितनी मेहनत भी नहीं करते, और इसीलिए वो भी अपनी लकड़ी को देने से मना कर देता है। द रिच मैन जस्ट सैट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्नड फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर। उसके नज़दीक एक अमीर व्यक्ति बैठा था जो अब तक सिर्फ ये सोच रहा था कि उसने कितना धन इकट्ठा किया है और किस तरह वो अपने पैसों को गरीब लोगों से बचा सकता है। पैसों को इकट्ठा करने की भूख ने उसे लालची और अंधा बना दिया था। उसे लगता था कि गरीब लोग आलसी हैं और उनके जीवन का कोई मकसद या एम नहीं है। वो अपनी मेहनत की कमाई इसी से शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी अपनी लकड़ी को आग में डालने से मना कर दिया। द ब्लैक मैन्स फेस बिस्पोक रिवेंज एज द फायर पास्ड फ्रॉम हिज साइट, फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट। अब तक वो काला आदमी अपने आसपास बैठे गोरे लोगों को देख रहा था। उसने बुझती हुई आग को भी देखा, परंतु उसके मन में गोरों के प्रति नफरत के चलते उसे उस लकड़ी में खुद को बचाने का एक मौका नहीं बल्कि बदला लेने का एक तरीका नज़र आ रहा था। जीवन भर गोरे लोगों ने उसके साथ और बाकी काले लोगों के साथ बहुत अत्याचार और भेदभाव किया था, और उसने सोचा कि हर उस तकलीफ़ के लिए आज उसे बदला लेने का एक अच्छा मौका मिला है, तो उसने भी अपनी लकड़ी को छुपा लिया और आग में नहीं डाला। वो जानता था कि अगर उसने अपनी लकड़ी आग में डाली तो इसका फ़ायदा गोरे लोगों को भी होगा। The last man of this forlorn group did not accept for gain. Giving only to those who gave was how he played the game. इस ग्रुप में बैठा छठा और आखिरी आदमी बहुत स्वार्थी और सेल्फिश था। वह वहाँ बैठा कुछ भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे तो इंतज़ार था इस बात का कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आग में अपनी लकड़ी डालेगा तो मैं भी डाल दूँगा। वो वहाँ बैठे बैठे गिव एंड टेक का गेम खेल रहा था, यानी सिर्फ उन्हीं को देता था जो उसे कुछ देते थे। वो हर उपकार या मदद के बदले में कुछ ना कुछ उम्मीद या एक्सपेक्ट करता था। जब उसने देखा कि कोई अपनी लकड़ी नहीं डाल रहा है तो उसने भी सोचा कि भला मैं क्यों अपनी लकड़ी डालूं? इस स्टैंजा में ग्रुप को फॉरलॉन कहा गया है, मतलब दुखी और अकेला। हैरानी की बात है कि जब 6 लोग एक साथ बैठे हैं तो भला वो अकेले कैसे, क्योंकि ये सब साथ होकर भी इनमें एकता या भाईचारा नहीं था। इनकी इंसानियत बिल्कुल उस आग की तरह ख़त्म हो रही है। हर व्यक्ति सेल्फिश है और इसलिए पहले अपने बारे में सोचता है, और उसे ये ख्याल नहीं आता कि दूसरे की मदद ना करके वो खुद अपना भी नुकसान कर रहे हैं। देयर लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल हैंड्स was proof of human sin. They did not die from the cold without, they died from the cold within. अगली सुबह तक ये सब लोग ठंड से जमकर मरे हुए पाए जाते हैं, और उनमें से हर एक के हाथ में तब भी वो लकड़ी को टुकड़ा कस के पकड़े हुए थे। ये लकड़ी उनके अंदर के सिन यानी पाप को दर्शाती है कि किस तरह उनके मन की बुराई उन पर हावी हो गई और वो सही गलत का फैसला ना ले सके। उनके पास खुद को बचाने का एक मौका था। यदि वो चाहते तो अपने स्वार्थ और नफरत को एक ओर करके अपनी लकड़ी को आग में डाल देते और शायद उनकी जान बच जाती। वो इसलिए नहीं मरे कि मौसम बहुत ठंडा था, पर इसलिए कि उनके मन में एक दूसरे के प्रति ठंड थी। उनके मन की बुराई उनकी इंसानियत से ज़्यादा थी, उन्हें एक दूसरे की कोई पड़ी नहीं थी। वह ये तो सोच रहे थे
कि कैसे दूसरे का भला ना हो पाए, पर ऐसा करने में वो अपना ही नुकसान कर बैठे। इस पोएम का संदेश ये है कि जब हम दूसरे की सहायता करते हैं या दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तो उससे हमें ही मदद मिलती है।